अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल्ड वॉइस में थारो खैर मकदम है। थारो मेजबान मोहम्मद रफीक चौधरी आज की खबर ले गया थारी खिदमत में हाजिर है। तो चलो एक नजर आज की खबर पर। जम्मू कश्मीर में चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने सीबीआई ने 10 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम में गिरफ्तार किया है। केजे की सीएचओ सरबजीत सिंह व मिडलमैन गौर अहमद की तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेजात और 3.5 लाख रुपए नकदी बरामद हुआ है। सीएचओ पर इल्जाम है कि वे डिपार्टमेंट का अंदरूनी मामला प्रमोशन व पोस्टिंग न ले गए मुलाजमीन तो रिश्वत ले गए काम कर रही था। दिल्ली के बाद हूँ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर भी एक्साइज घोटाला करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल ने 200 करोड़ स्कैम का इल्जाम आयद किया है और सीबीआई के जरिए दिल्ली की तरह इस मामला की तहकीकात को मुतालबो किया है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरकारी रिहायशगाह पर एक अफगानी शख्स दाखिल हो गया। प्राइम मिनिस्टर की रिहायशगाह पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बिल्कुल भी पतो नहीं चले कि यू घुसपैठ करने वाले शख्स किसरा और कितों दाखिल हो। तो इस शख्स ने पकड़ गया आतंकवाद विरोध विभाग के हवाला कर दिया गया है और उसके नाल पूछताछ जारी है। लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू जम्मू कश्मीर का दौरा के दौरान एक सड़क हादसा में बाल बाल बच आई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वे जम्मू तो श्रीनगर बाय रोड सफर कर रहा था और नेशनल हाईवे पर रामबन के नजदीक एक ट्रक ने उनकी गाड़ी ने टक्कर मार छुड़ी। हादसा में कोई नुकसान नहीं हुआ और लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने हिफाजत के नाल गड्डी तो बाहर लाया गया और इस तू बाद वे महफूज तरीका के नाल श्रीनगर पहुंच गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1260 करोड़ की लागत के नाल तैयार हुई चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नवी टर्मिनल बिल्डिंग को इफ्तिताह कियो। इनॉग्रेशन करने के बाद उसने बिल्डिंग को अंदरों भी मायनो कियो। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशानों साधते हुए कहा है कि कांग्रेस का वास्ता एक शख्स मुल्क पार्लियामेंट ता अदालतों में बड़ो है। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 करोड़ नौजवानों ने आइंदा 3 साल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए मिलन वाली नई तजवीज के तहत रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती की लड़की इल्तिजा मुफ्ती का उन इल्जाम ना गलत ठहराया है जिनमें इल्तिजा ने किया है कि उन पर हाईकोर्ट में दायर की गई अर्जी ना विड्रा करने का वास्ते दबाव बनाया जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियन ना 7 विकेट तो आईपीएल मैच में शिकस्त दी। नाजरीन ये थी आज तैड़ी की खबर। तम रखो अपनो ख्याल, कल इस वेला फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तोड़िया दे इजाजत, खुदा हाफिज़।